हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार मिनर्वा जनरल क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आजकल एक बहुत चर्चा चल रही है सीटेट बीटेट कि सीटेट नहीं हो सातवां चरण की बीटेट ना हो सातवां चरण की बहाली निकाला जाए। 3 साल से बच्चे पड़े हुए हैं तो कोई कह रहा है कि नहीं बीटेट निकाला जाए क्योंकि 2017 के बाद बीटेट नहीं हुआ है। मैं बीटेट वालों के पक्ष में 100% हूँ। NCTE के गाइड के अनुसार हर साल BTET होना चाहिए। हर साल क्या होना चाहिए? BTET होना चाहिए। लेकिन 2017 के बाद आज तक बिहार टेट का आयोजन नहीं हुआ। क्यों भाई? 2017 के बाद जितने भी बच्चे डीलेड बीलेड बीएड में एडमिशन किए उनका क्या होगा? वो क्या करेंगे? इस साल जिनका फाइनल हो रहा है वो क्या करेंगे? सीटेट तो होता है केंद्रीय सिमुतलावासीय इन सब विद्यालयों के लिए, तो उनको यहाँ बिहार के विद्यालय से क्या लेना देना है? हाँ, उनको मान्यता है तो मान्यता है रहेगा। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, मुझे भी टीचर की जॉब चाहिए, मैंने भी बीएड कर रखा है, मैं भी सीटेट निकाला हुआ है, बिहार टेट भी निकाला हुआ है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा है? मैं अपने लिए अब दूसरों का रोजी रोटी मार दूँ? ऐसा कहाँ का न्याय है बताइए। हर साल बीटेट का प्रावधान है तो हर हाल में होना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा जो है उसको अवसर मिले, वह अपने अवसर से न चूके। पहले शिक्षा मंत्री, इससे पहले जो अभी बदलाव हुआ है चंद्रशेखर जी आए, इससे पहले हमारे जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कह दिया कि नहीं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। कैसे भाई पर्याप्त मात्रा में है आपके पास? उससे क्या करना है? आपको है या नहीं है उससे क्या करना है? आपका काम है हर साल बीटेट का आयोजन कराए, आयोजन कराइए। ऐसा आप कैसे कह देंगे कि नहीं कि बीटेट का आयोजन नहीं होगा? मान लेते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सीटेट में 1-2 नंबर से उनका रिजल्ट नहीं होता है, तो भाई आप कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ भोजपुरी भाषा है उसकी भी पढ़ाई, तो भोजपुरी लैंग्वेज रहता है क्या सीटेट में? जबकि बिहार टेट में तो रहता है, तो वो सब कैसे क्लियर होगा बताइए। सीटेट जो है वो केंद्रीय विद्यालयों के लिए है, तो आप उसमें उसको जाने दीजिए ना। बाकी आप मान्यता दे रहे हैं तो ठीक है, इसीलिए हर हाल में बीटेट होना चाहिए। और हर एक स्टेट 2-2 एग्जाम ले रहा है, एक तो अपना टेट ले ही रहा है उसके बाद सुपर टेट भी ले रहा है। आप लोग कह रहे हैं एग्जाम में नहीं होगा, काहे भाई? हर हाल में एग्जाम, जैसे चले जाइए या हमारा पड़ोसी देश है UP, वो बीटेट के बाद सुपर टेट लेता है, उसके बाद चलिए अभी राजस्थान का निकला हुआ है, राजस्थान टेट के बाद वो सुपर टेट लेगा, उसके हिसाब से अपना बहाली करेगा। आप कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यहाँ परीक्षा की बातें नहीं चल रहा है। हर हाल में बिहार टेट होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं उनके पक्ष में हूँ मैं, और बिहार टेट हर हाल में कराया जाएगा। बिना बिहार टेट के बच्चे क्या करेंगे जी? 2017 के बाद नहीं हुआ बताइए, 5 वर्ष हो गया आज तक बिहार टेट नहीं हुआ, इसलिए हर हाल में बीटेट होना चाहिए। और बीटेट वालों के मैं पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीटेट वालों के पक्ष में नहीं हूँ, हूँ, लेकिन बहाली बहुत दिनों के बाद आती है, तो जो भी बहाली आए उसमें सबको मौका मिलना चाहिए ना जी। हाँ, सीटेट वाले जो हैं वो लड़ रहे हैं तो वो सरकार से इस बात पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जो एक ही बार आप 1-2 लाख की बहाली निकाल देते हैं, हर साल क्यों नहीं 20,000-30,000 की बहाली निकालते हैं? और इस तरीके से लगातार बहाली होने से क्या होगा? बच्चों में एक जुनून होगा, नौकरी लेने का जुनून होगा कि नहीं हर साल बहाली आ रहा है, हमें अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है, 1 बार 1 लाख का बहाली निकाल दिया, पता चला कि 50,000 सीटें खाली रह गया छठा चरण में, ऐसा कैसा हो जाए? हर साल 20,000 की बहाली लीजिए, हर साल एग्जाम लीजिए, और एग्जाम में जितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं या मेगा सूची के अनुसार उनको आप जॉब दीजिए। एक ही बार बहाली, ये तो इलेक्शन का मुद्दा बन गया, जब इलेक्शन आएगा बहाली निकालेंगे, जब इलेक्शन आएगा नहीं निकालेंगे। हर साल मैं शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर साल आप बहाली लीजिए, 1 लाख न लेकर 20,000 का निकालिए, और हर साल 20,000 का बहाली लीजिए, एग्जाम लीजिए और बहाली लीजिए, जिससे बच्चों के अंदर जो जुनून है एक वो पैदा रहेगा कि हाँ बहाली आ रहा है हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अब एक ही बार 5 साल बाद आप बहाली निकालिए तो बच्चा तो बैठ जाता है कि वो 5 साल हम क्या करेंगे, अब 5 साल बाद बहाली आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप हर साल बहाली निकालिए और बच्चों को एग्रेसिव कीजिए कि वो अपने काम में लगे रहें, ठीक है? मैं बीटेट वालों
के साथ हूँ और यही प्रार्थना करूँगा कि बीटेट हर हाल में शिक्षा मंत्री कराए। थैंक यू।